भागलपुर नगर निगम में हुए घोटाले का मुद्दा अब तुल पकड़ चुका है, जिसमें नगर निगम की मेयर सीमा साह के पति जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह पर नगर निगम के पैसे को किसी अन्य लोगों के खाते में भेजने का मामला उजागर हुआ है। इसके बाद पार्षद एकता समूह के कई पार्षदों द्वारा कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके उपरांत पार्षदों ने नगर आयुक्त को शिकायत याचिका तथा जांच करने हेतु पत्र भी सौंपा था। नगर आयुक्त द्वारा दो दिनों का समय भी मांगा गया, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इस बात से गुस्साए पार्षदों ने आज नगर निगम परिसर में एक दिवसीय धरना दिया तथा उन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी कर चुके हैं। जल्दी ही हम सभी हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। जिन्होंने 3300 करोड़ रुपया का सिस्टम घटोला करके चला गया। 10 मार्च को भारत के रिजर्व बैंक 10 मार्च 2013 के भारत के रिजर्व बैंक ने कहा था बिहार सरकार के भागलपुर में सृजन घोटाला हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार सृजन घोटाले पर जो उसको जांच नहीं हुआ। वही हालात अभी हो रहा है कि नगर निगम में चोरी हो रहा है, नगर निगम में चोरी हो रहा है, खुलेआम अखबार में हो रहा है, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बोल रहा है, और सबसे आश्चर्य जिनके खाते में पैसा जाता है वो भी कहता है कि मेरे खाते में पैसा आया है, तब पर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है और वैसे व्यक्ति को खुलेआम छूट दे करके घूमने के लिए दिया जाता है। इससे साफ जब जाहिर होता है ये सृजन टू का भागलपुर में मामला चल रहा है, सृजन टू का भागलपुर में मामला चल रहा है साथी। पैसा आज सृजन टू घटोला हो रहा है और सृजन टू के माध्यम से आज बात नागरिक का विकास का पैसा आज अध्यक्ष प्रशासन के लोग मिली भगत से बंदर बांट हो रहा है। आज विकास के मद का पैसा सड़क में लगना चाहिए, आमजनों के विकास में लगना चाहिए। तो महापौर के पेट्रोल पंप पर, जिला अध्यक्ष के पेट्रोल पंप पर पेमेंट हो रहा है, जिसके कारण जनता के बीच काफी आक्रोश व्याप्त है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि जो सृजन टू भागलपुर में हो रहा है इसका विलंब जांच करा करके प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए और दोषी के व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्षद एकता मंच का आह्वान, जब तक भ्रष्टाचारियों पर FIR नहीं हो तो हम लोग धरना का कार्यक्रम और जनता को जगाने का कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकरण में आज हम लोग पार्षद एकता मंच और कुछ सामाजिक संगठन के द्वारा सहयोग से हम लोग धरना स्थल पर बैठे। इस धरना का उद्देश्य है कि जिन जिन लोगों पर आरोप लगा है, आरोप तो सिद्ध है कि जो कर्मचारी टुनटुन साह के पंप पर काम करता है अनिल ताती, वह उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है और वह कह रहा है कि हम नगर निगम के स्टाफ नहीं है तो मेरे अकाउंट में क्यों पैसा जा रहा है। तो फिर लेने वाला कह रहा है कि गलत हो रहा है, तो फिर FIR अभी तक क्यों नहीं हुआ। और जब हम लोग इसकी आवाज उठाते हैं, एक तो अनिल ताती की बात छोड़िए, ऐसा ऐसा हमको लगता है 40-50 घटना है नगर निगम का जो आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। शहर में जनता का तो विकास होता नहीं है, लेकिन पदाधिकारियों का विकास काफी तेजी से हो रहा है। इसकी जांच करा दी, हर एक टेबल की जांच कराइए, हर एक टेबल पर आपको बहुत बड़ा घपला मिलेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि सरकार अपने स्तर से निगरानी से हो, जांच कराए, नहीं तो हम लोग हाईकोर्ट की इधर मुंह पर। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है, हम नगर निगम के पार्षद हैं 21 नंबर वार्ड। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।